press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों आईएसएल का तीसरा मैच एफसी गोवा और बेंगलुरु एफसी के बीच फतोर्दा स्टेडियम में खेला गया, जो मुकाबला 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोस्तों आपको बता दूं, इस मुकाबले में जो है एफसी गोवा की टीम जो है 4-2-3 कॉम्बिनेशन या फॉर्मेशन के साथ खेल रही थी। वही बेंगलुरु एफसी की बात करें तो वहां पर वे टीम जो है 3-4-3 के फॉर्मेशन के साथ इस मुकाबले में खेल रही थी। दोस्तों दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। इसके बाद बात करते हैं फर्स्ट हाफ की, तो फर्स्ट हाफ तक का स्कोर था बेंगलुरु एफसी 1 एफसी गोवा 0। और इसके बाद जो हमें बहुत बढ़िया कमबैक देखने को मिला बेंगलुरु एफसी की मदद से, जहां पर उन्होंने जो है 57th मिनट में जुआनान की गोल की मदद से 2-0 की लीड ले ली। इसके बाद एफसी गोवा का शानदार कमबैक हमें देखने को मिला, जहां पर एंगुलो ने जो है 66 मिनट और 69th मिनट पर लगातार 2 गोल करके मैच में सनसनी मचा दी और स्कोर को जो है 2-2 की बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। दोस्तों इसके बाद जो है दोनों टीमें काफी अच्छी यहां पर फुटबॉल देखने को मिली दोनों टीमों की तरफ से, मगर अंत तक जो है फाइनल विसल तक का स्कोर था एफसी गोवा 2 और बेंगलुरु एफसी 2। अब आपको क्या लगता है, दोनों में से कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतने की जो है हायर पॉसिबिलिटीज थी, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं।